सवाती योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन से एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रॉकेट रिवीजन फॉर क्लास 10th जितने भी आपके पास जो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यस प्रिपेयरिंग ऑल दीस सब्जेक्ट्स इंग्लिश की थोड़ी बहुत टेंशन तो लो क्योंकि अगर इंग्लिश को अपन एकदम ही इजी मोड पे डाल दिया ना तो वो लेड डूबेगी अपन को तो यहाँ करना क्या आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत सारा कुछ कुछ पढ़ने की बस ये रॉकेट रिव्यूशन देख लो हर एक चैप्टर हर एक पोम का मैं आपको ये रॉकेट रिव्यूशन देने वाली हूँ जिसमें आपका पूरा चैप्टर का समरी पोम है तो उसकी लिटरेरी डिवाइस रहेंगी उसका एनालिसिस रहेगा सब कुछ रहेगा विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सब इंक्लूड कर दिए सो शेल वी स्टार्ट चलिए वी आर ऑलरेडी डन विथ चैप्टर वन अ लेटर टू गॉड एंड नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाउ दिस इज अ वेरी लेंथी चैप्टर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम इसमें बहुत सारे नाम हैं और बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है और ये याद नहीं हो रहा है और अपन पेज पलटते जाते हैं होता है इतना लंबा चैप्टर इससे अच्छा एक काम करते हैं कुछ और कर लेते हैं डोंट डू दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसीलिए मैं भी आपको इसकी क्विक समरी दे रही हूँ समरी पूरी पॉइंट्स में लिखी हुई है आप स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स ठीक है चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटो बायोग्राफी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी हुई है जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है मतलब छोटा सा पार्ट लिया गया है अब नेल्सन मंडेला की जो स्टोरी है स्टार्ट होती है जहां पे वो बताते हैं टेंथ में 1994 नाइनटी फोर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट सो टेंथ में फोर मंडेला साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट फ्टर मोर देन थ्री सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थ्री सेंचुरीज मतलब तीस साल के वाइट थ्री सेंचुरी मतलब थ्री हंड्रेड इयर्स ऑफ व्हाइट रूल के बाद पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के जिनका नाम था नेल्सन मंडेला मिस्टर मंडेला उनकी पार्टी का नाम क्या था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ए एनसी पार्टी ये वर्ड ये आपसे पूछा जा सकता है इसको याद रखना फिर से बोलते हैं इनकी पार्टी का नाम क्या था अफ्रीकन नेशनल पार्टी ओके कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी अब ये जब इन्होंने इलेक्शन हुए थे तो टोटल 400 वोट्स में से 252 वोट्स ये जीत चुके थे कैसे याद रखोगे 400 का हाफ होता है 200 और ये 52 वोट्स ज्यादा जीते उसमें से मतलब 252 अब ये याद रखना ही पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट इज अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी की इनाग्रेशन सेरेमनी कहा हुई थी इस बिल्डिंग का नाम आपसे पूछा जा सकता है यूनियन बिल्डिंग में हुई थी जो कि एक सेंड स्टोन एम्फी थिएटर है मतलब ये पूरा ऐसे खुला जैसे कि क्रिकेट मैच का थियेटर होता है ना एम थिएटर वैसा है ये एन ओपन एयर थिएटर कहाँ पे है ये प्रिटोरिया प्रिटोरिया क्या इट इज अ सिटी इन साउथ अफ्रीका ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए पहली चीज बिल्डिंग का नाम क्या था यूनियन बिल्डिंग पे थी ये प्रिटोरिया में थी क्या था ये एक ये ओपन एम्फी थिएटर था सेंड का बना हुआ था ये ठीक है एंड देन अटेंडेड बाय उस दिन उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए कौन-कौन आया था पूरी दुनिया से जो है इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस और डग्निटरीज आए थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज 140 कंट्रीज से इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस और डग्निटरीज आए थे इट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑन इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल साउथ अफ्रीकन सॉइल में इंटरनेशनल लीडर्स की सबसे बड़ी गैदरिंग थी वो उस टाइम पे इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज़ फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट अब 300 हंड्रेड टाइम ईयर्स तक जब वाइट का रूल था तो हमें पता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था इसका मतलब वो लोग कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे भेदभाव करते थे वो बहुत ज़्यादा था फाइनली एक ऐसी गवर्नमेंट बनी थी जो कि डेमोक्रेटिक थी टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल राइट मतलब लोगों ने अपनी गवर्नमेंट क्रिएट करी थी दूसरा नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जिसमें रेस रेस के के बीच, बेसिस पे कहीं से कहीं तक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था नेल्सन मंडेला वाज कंपनी बाय हिज डॉटर जिनानी। अब इन्होंने पूरी इस एक्सट्रैक्ट uh, में सिर्फ एक फैमिली मेंबर के बारे में बात करा है जो है उनकी डॉटर विच इज जिनानी तो ये नाम आपको याद होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज मिस्टर डे लर्क वॉज फर्स्ट सोन अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ओथ लिया फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ओथ लिया और फिर फाइनली अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ने ओथ लिया था तो जिन्होंने सबसे पहले जो सेकेंड पोजिशन uh, पे थे सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम क्या था मिस्टर डे लोर्क ओके जो फर्स्ट डेप्यूटी थे वो कौन थे थाबो बेकी थाबो बेकी और उसके बाद नेक्स्ट जो थे नेल्सन मंडेला उन्होंने प्लेज लिया फिर उन्होंने क्या प्लेज लिया टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ओबे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा होता है कि आपको क्या रूल्स फॉलो करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है आपको क्या करना चाहिए हमारे राइट्स हमारे जो रूल्स uh, हैं जो हमें फॉलो करने सब कुछ उसमें मेंशन होते हैं तो उन्होंने क्या कहा वो ओबे करेंगे एंड अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलफियंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल और उनकी जो पूरी जिंदगी जो बची हुई है वो अपनी जिंदगी को अपने लोगों के लिए लगा देंगे अफ्रीकन्स वर्ड आउट लॉस अब यह हमें पहले के बारे में बता रहे हैं कि जो अफ्रीकन्स थे ना उनको आउट लॉस कंसिडर किया जाता था आउट लॉस का मतलब बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपारथीड अपार्थीड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रमिनेशन जहाँ पे कलर के बेसिस पे आप जो है उनको इंफीरियर शो करते थे कि जैसे कि उनकी कोई इज्जत ही नहीं है मैनी कंट्रीज हैड ओनली अन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका को क्योंकि उसमें वाइट का रूल था और उसमें जो थे ब्लैक लोग रहते थे तो बहुत सारी कंट्रीज ने इनिशियली उनको बेदखल कर दिया था मतलब एक तरीके से उनको बाइकऑट कर दिया था इसीलिए उनको आउटलॉ कहा जाता था जो एफ्रीक थे द विक्ट्री ओवर अपार्थीड जब उन्होंने इस सोच के ऊपर विजय पा ली अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी ये जो विक्ट्री थी ये सिर्फ अपार्थीड मतलब एक क्या था? आप ने जस्टिस होना चाहिए हर जगह पीस होना चाहिए ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर आपने विजय पा ली डेट वॉज देयर मोटिव अचीव्ड पॉलिटिकल इमेंसिपेशन इमैपेशन का मतलब होता है लिबरेशन फ्रीडम उन्हें पॉलिटिकली लिबरेट हो गए वो सब के सब द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ बींग सेट फ्री फ्रॉम लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस अब उनके पास वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते थे ये उनको फ्रीडम मिल गई थी इमेंसिपेटेड हो गए थे वो लोग ठीक है अब क्या हुआ जिस दिन वो लोग ओथ ले रहे थे तो आपने देखा होगा ना हमारे घर पे भी 26 जनवरी के दिन जो है परेड होती है प्लस जो जेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जो है फॉर्मेशंस बनाते हैं एनऑल उसी तरीके से यहाँ पे भी शेवजॉन शेवजॉन क्या होता है एक पैटर्न द शेप ऑफ वी तो वी शेप में तो जैसे यहाँ एक जेट है यहाँ 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 जेट है फिर यहाँ 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 जेट है यहाँ 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 जेट है तो इस तरीके का वी जो पैटर्न होता है इसको शेवजॉन कहते हैं तो ये जो शेवजॉन जो था ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग तो यहाँ पे जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में ये सारे कलर्स थे ब्लैक रेड गोल्ड ब्लू एंड ग्रीन सो ब्लैक ब्लू ग्रीन गोल्ड एंड रेड तो इस कलर की स्मोक वो जो थे एमिट कर रहे थे ठीक है टू नेशनल एंथम्स व प्लेट सो वाइट ने क्या गाया था कोसीड आई अफ्रीका और ब्लैक्स ने क्या गाया था डास्टेम और ये दोनों ही जो थे द ओल्ड एंथम ऑफ दि रिपब्लिक सो व्हाइट्स ने जो है आय अफ्रीका के लिए कोसी सिकल गाया था और ब्लैक ने डाय गाया था वो दोनों गाते टाइम लोगों को लिरिक्स याद नहीं थे लेकिन उस वक्त जो है नेल्सन मंडिला ने क्या सोचा थोड़े ही टाइम पर सबको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे नेक्स्ट इज फर्स्ट टिकट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी अब जो है यहाँ पे हम बात करें जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं तो जब वो पैदा हुए थे जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब वाइट्स का रूल आ चुका था व्हेन ही he... वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट डेकेड में थे वो अपने so, जो था, का जो कि दैट वॉज फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंग्लो वॉर बिफोर मंडेला वॉज बॉर्न मंडेला तब तक पैदा भी नहीं हुए थे द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस डिफरेंसिस जितने भी साउथ अफ्रीका में वाइट स्किन पीपल थे उन सब ने अपना एक एसोसिएशन क्रिएट किया और ये रेशियल डोमिनेशन जो था डार्क के अगेंस्ट जो डार्क स्किन वाले लोग थे उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया था जब नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे हम कब की बात कर रहे हैं ट्वेंटी सेंचुरी के पहले दस साल की बात कर रहे हैं ठीक है लास्ट डेकेड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी एट डेकेड ऑफ मंडेला एज अ मैन सिस्टम ओवरटर्न फॉर और जब हम ट्वेंटी सेंचुरी के लास्ट डेकेड की बात कर रहे हैं जब मंडेला का एट डेकेड चल रहा था मतलब वो एटी इयर्स के थे तब पूरा सिचुएशन बदल चुका था और वाइट की जो सुप्रीमेसी थी वो एंड हो चुकी थी और लिब्रेशन आ गया था पूरा का पूरा सिस्टम पलट चुका था ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रहे हैं द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी ऑपरेशन मतलब जब आप किसी पे दबाव डलवाते हो उसको ज़बरदस्ती कोई काम करवाते हो तो ऑपरेशन कहते हैं इसको सो so, ये जो पूरे जो सालों साल तक ऑपरेशन ऑफ ब्रुटैलिटी चल रही थी प्रोड्यूस्ड इसमें क्या हुआ हमारे इधर पे भी क्या हुआ जब हमें इतना हम पे आ, अत्याचार हो रहा था तो हमारे इधर पे कौन प्रोड्यूस हुआ महात्मा गांधी सुभाष जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद कितने सारे जो हैं फाइटर्स जो थे वो आए जब आप बहुत ज्यादा ऑप्रेस होते हो तभी बहुत जोर से आप अपने आप को फ्री कराते हो उसमें ही आपके अंदर वो एनर्जी आती है तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन सालों के ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी की वजह से हीरे पैदा हुए थे कौन ऑलिवर टेम्पोस वोल्टसल शीफ लिथलिस यूसुफ ब्रैम फिशर्स रॉबर्ट सोप्यविस मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज विजडम एंड जनरोसिटी ये सब लोग जो थे दे वर द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूस पेन जिसके लिए उन्होंने उतनी फ़ाइट करी अगर आपको हल्का सा पेन कोई ने ऐसे किया आप उससे बहुत ज़ोर से नहीं फाइट करोगे लेकिन किसी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो आप उस चीज़ को हटाने के लिए उतना फाइट करोगे और उसी की वजह से ये जो डायमंड्स थे ये आए थे प्रोड्यूस हुए थे तो ये सारे वो लोग हैं जो उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि ये वो वो सारे लोग थे जिन्होंने इस फ्रीडम फाइटिंग में उनकी मदद करी थी इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि बहुत ज़्यादा अत्याचार की ज़रूरत होती है तभी कहीं जाके ऐसे कैरेक्टर वाले लोग आ पाते हैं तभी इतना करें जब इतना विजडम आ पाता है तो ये जब अगर आपको एक्सप्लेन करना है सो दिस हियर इज दी आंसर साउथ अफ्रीका जो था वो रिच था बहुत ज़्यादा रिच था उसमें मिनरल्स और जेम्स हमें पता है हमने जोग्राफी में पढ़ा है लेकिन उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ वहाँ के मिनरल्स और जेम्स नहीं थे उसके लोग थे फाइनल एंड टूअर देंड द प्योरेस्ट डायमंड्स जो वहाँ के बड़े से बड़े प्योर से प्योर फाइन से फाइन डायमंड्स से भी ज़्यादा प्रेशियस थे वहाँ के लोग जो अपनी देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे करेज इज़ नॉट द एबसेंस ऑफ फ्योर बट द ट्रायम्प ओवर इट अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग जिस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बो बोला जा सकता है सो नैलसन मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा था करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है डर हर इंसान के अंदर होता है लेकिन करेज का मतलब होता है आपके अंदर उस डर से लड़ने की ताकत है और आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Brave man वो नहीं होता जिसके अंदर डर नहीं होता, वो होता है brave जिसके अंदर उस डर से लड़ने की ताकत होती है. People must learn to hate. If they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Again, this is a very important dialogue. ये उन्होंने कहा था कि लोगों को जो है ना हमें हेट करना भी सिखाना चाहिए क्योंकि अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो प्यार करना ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे क्यों क्योंकि एक छोटा बच्चा जैसे अगर होता है उसको थोड़ी ना आता है किसी को हेट करना हो तो सबसे प्यार करता है क्योंकि लव एक ऐसा इमोशन है जो नेचुरली हमारे अंदर आता है हेट तो हमें सीखनी पड़ती है तो इसीलिए लिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि आपको हेट सिखाना चाहिए ताकि उनके अंदर का जो प्यार है वो वापस सीख पाए जो अच्छाई होती है वो एक ऐसी जलती हुई लॉ की तरह होती है जिसको आप छुपा तो सकते हो लेकिन कभी बुझा नहीं सकते मतलब अगर तुम्हारा मन अच्छा है तो तुम्हारे अंदर की वो अच्छाई कभी ना कभी सामने आ ही जाएगी तुम उसको छुपा नहीं सकते ओके? एवरी मन मैन हैज़ टू ऑब्लिकेशन देन अगेन ही सेट की हर इंसान की दो ऑब्लिकेशन्स होते हैं दो कर्तव्य होते हैं क्या एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसकी फैमिली के लिए है उसकी वाइफ उसके पेरेंट्स उसके चिल्ड्रन के लिए है और एक ऑब्लिकेशन जो उसके लोग उसकी कम्यूनिटी और उसके देश के लिए होता है अगेन ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है मंडेला वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री ऐसा नहीं था कि मंडेला जो थे वो बहुत ही मुश्किल दिन उन्होंने निकाले उनके पास खाने को खाना नहीं था ऐसा नहीं था ही वॉज बॉर्न फ्री फ्री इन एवरी वे दैट ही कुड नो वो उनको जहाँ खेलने का मन करता था वो खेलते थे जो खाने का मन करता था वो खाते थे फ्री टू रन इन द फील्ड नियर हिज मदर्स हर्ट अब यहाँ पे बताया है कि जैसे वो बड़े हो रहे थे जब वो बचपन में अपना अपने जब खेलने जाते थे अपनी माँ के साथ रहते थे तब उनका जहाँ मन करता था वो कर कर पाते थे उनके वहाँ पे जो झरना था पानी का जो स्ट्रीम था वहाँ पे वो जाके नहा लेते थे फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स राइड द ब्रॉड backs ऑफ स्लो मूविंग बुल्स उनको बुल्स के ऊपर बैठना अच्छा लगता था स्टार गेजिंग करना उनको जो मन करना था वो कर पाते थे मंडेला ने बाद में जब वो एज अ स्टूडेंट मतलब जब वो बड़े होने लगे उन्होंने डिस्कवर किया हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम ही टू हंगर फॉर इट तो जब पहले तो उनके पास पूरी फ्रीडम थी लेकिन जैसे ही वो एक स्टूडेंट के फॉर्म में आए जब वो बड़े होने लगे उनको लगा उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है एज अ स्टूडेंट मंडेला वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ अब जब वो एक स्टूडेंट बने वो चाहते थे वो जो पढ़ना चाहें उन्हें पढ़ पाए

कि उनको सिर्फ ख़ुद के लिए फ़्रीडम नहीं चाहिए उनको अपनी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए अपने लोगों के लिए चाहिए अपनी कंट्री के लिए चाहिए तब उन्होंने क्या बोला कि उनको जो है ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ वो किसी भी तरीके से जो है बेसिक नेसेसिटीज चाहते थे जो उन्हें मिलनी चाहिए और तब जो है मंडेला की जो डिज़ायर थी फॉर द फ्रीडम ऑफ एस पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ये स्टार्ट हुई और तब वो हंगा चालू हुई कि नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए और सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए सब लोगों के लिए चाहिए सो दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंट यंग मैन एक डरा हुआ सहमा हुआ यंग आदमी एक बोल्ड आदमी में कन्वर्ट हो जाता है ही ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटोर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल मतलब जिसकी वजह से उन्हें क्रिमिनल क्यों कहा गया है

कि ऑपरेसर जो होता है जो आप पे दबाव डाल रहा है जब तक वो लिबरेट नहीं होगा तब तक आप जो ऑपरेसर जिसपे दबाव पड़ रहा है वो भी लिबरेट नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि दोनों के अंदर की ह्यूमैनिटी को जो है आप जॉब कर लेते हो अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को ले रहा है वो भी तो आपस वो भी तो एक प्रिजनर है नफरत का प्रिजनर है वो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस वो भी एक तरीके से प्रिजनर है और वो कौन से दरवाजों के पीछे बंधा हुआ है छोटी सोच के पीछे बंधा हुआ है प्रेज जहाँ पे आपको लगता है नहीं ये लोग तो गंदे ही होते हैं प्री कंसीव नोशंस कि आपको लगता है कि नहीं अगर आपने देखा कोई दुबला पतला आदमी आ रहा है ये तो कभी भाग ही नहीं सकता ये होता है प्री कंसीव नोशन तो ऐसे लोग जो हैं वो भी तो एक तरीके से बंधे ही हुए हैं ना अपनी सोच से अपनी छोटी सोच से बंधे हुए हैं वो तो उन्होंने कहा जब तक आप अपनी छोटी सोच से अपने आप को मुक्त नहीं कराओगे तब तक आप सामने वाले को कैसे मुक्त कराओगे एंड दैट इज इट दिस वाज योर चैप्टर इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और अब हम बहुत फटाफट इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डेट 10th ऑफ मई नेक्स्ट इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकास फर्स्ट कैसी गवर्नमेंट थी ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक और रेशियल या मोनार्क और नॉन रेशियलोर्स ये डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल थी नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वो इलेक्टेड दो एक फर्स्ट और एक सेकेंड उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिट द अदर कंट्रीज ब्लोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका बाकी लोगों ने इनको आउटलॉक क्यों कर दिया था वाइट रूलर्स की वजह से क्योंकि बाकी कंट्रीज भी रेशियल थी क्योंकि वो पुअर कंट्री थी अपार्थ हीड पॉलिसी अपार्थीड पॉलिसी की वजह से उनको अलग कर दिया गया था वॉट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका को में कौन लेके आया क्या चेंज एंड ऑफ ह्यूमैनिटी पीस या ट्रेड नेगोसिएशन क्योंकि अपार्थीड सिस्टम खत्म हो चुका था

जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिप्रीवेशन या ऑल ऑफ द एक्चुअली सब चीजें थी पावर्टी भी था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी था और डिप्रीवेशन भी था वी हैव अचीव्ड आ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकली हम फ्री हो चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमैनसिपेशन फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन ओके नेक्स्ट इज द स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वॉज अ डिस्प्ले ऑफ वो किस चीज का डिस्प्ले था मिलिट्री मिलिट्रीज़ लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी बोथ को कितना रिस्पेक्ट करते थे वो दिखाने के लिए ठीक है अब नेक्स्ट है व्हाट कलर्स द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पर्ज ये जो नया साउथ अफ्रीकन का फ्लैग था इसमें कौन कौन से कलर्स थे सो द कलर्स वर

ना अकॉर्डिंग टू मंडेला वट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन उसके लोग राइट right? वहाँ के लोग उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं वट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज करेज का क्या है करेज का मतलब डर नहीं होना नहीं डर के आगे जीत है राइट माउंटेन ड्यू का एड है ना ये राइट नेक्स्ट वट वट आर मैं ऑब्लिकेशन इन लाइफ मैन के दो ऑब्लीगेशन होते हैं ऑब्लीगेशन टू पीपल ऑब्लीगेशन टू फैमिली ऑब्लीगेशन टू पीपल राइट right? उसकी कंट्री मैन सो ये दोनों ए एंड बी ना वाई टू नेशनल संग दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे टू यूनिटी ये बताने के लिए सिर्फ ब्लैक का राज नहीं है वाइट एंड ब्लैक को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा राइट सो बोथ ए एंड बी टू यूनिटी एंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड नेक्स्ट वी हैव वॉट कम्स मोर नेचुरली टू टू हार्ट अकॉर्डिंग मंडेला क्या आता है हेटरेड या लव सो द आंसर इज Love. Next, what realizations did Mandela have हैव ऑन boyhood फ्रीडम जब उसे boyhood फ्रीडम में उसने क्या रियलाइज किया दैट उनको ये लगा कि ये तो सिर्फ एक कल्यूशन है ये तो मैं फ्री हूं ही नहीं मैं अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकता एंड द लास्ट MCQ is what इज Mandela's hunger for हंगर फॉर फॉर फ्रीडम उनको कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रीडम की जज्बात जाग गए थे

उनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी होती है वो चली जाती है ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट रेड वाइल ऑपरेस्ट हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड जो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है वो एक प्रिजनर है नफ़रत का और जो ये अत्याचार सहन कर रहा है उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है ह्यूमैनिटी पे इसलिए दोनों को लिबरेट करने की ज़रूरत है दोनों को फ्री करने की ज़रूरत है नेक्स्ट क्वेश्चन इज

मतलब इस ब्लैक सिस्टम में जो ब्लैक कलर का जो पूरा सिस्टम था इसमें साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे उनको अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए भी फ्रीडम नहीं थी एज लाइक पेरेंट्स सन्स हजबेंड्स वो कोई काम नहीं कर सकते थे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे सो दैट वॉज दी अपार्थिट सिस्टम जिसकी वजह से ब्लैक स्किन पीपल जो थे वो उनको आउटलॉ कर दिया गया था नाउ डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीकन पीपल पे जो अपार्थिड पॉलिसी थी इसका क्या इफेक्ट हुआ सो द आंसर इज द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड कोड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर्चुनेट फॉर ऑल द फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इसको हम साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए अच्छा तो कह नहीं सकते इट क्रिएटेड डिस्टेंस एंड अ डीप वून्ड इन द कंट्री इसमें क्या हो गया एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया लोगों के बीच में और कंट्री में एक गहरा घाव क्रिएट हो गया एंड द पीपल मैं लोगों के अंदर पूरी कंट्री में एक गहरा घाव क्रिएट हो गया मैनी ग्रेट मेन मैन लाइक ऑलि टेम्बोस वॉल्टर सिस्लस यूसफ डेडोस ब्राम फिशस एक्सेट्रा व प्रोड्यूस ड्यू टू द ब्रुटैलिटी एंड ऑपरेशन ऐसे बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो पैदा हुए थे इस ब्रुटैलिटी और ऑपरेशन की वजह से दे व मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर और ये वो लोग थे जो बहुत बड़े कैरेक्टर वाले थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज था विजडम थी और इनके अंदर जो था एक जेनरॉसिटी थी जो वो अपनी कंट्री के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज करेज रिलेटेड टू द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज जो है वो एक ब्रेव मैन से कैसे रिलेटेड है सो द आंसर इज द ऑथर बिलीवस दट करेज इज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्प ओवर इट ये याद कर लेना करेज इज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्प ओवर इट द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील फियर ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता बट ही इज द वन हु हैज द करेज टू कॉन कर इट ब्रेव मैन वो होता है जिसके अंदर वो करेज होता है कि वो उसको कौन कर कर ले उसका सामना कर पाए उसे ओवरकम कर पाए

सो द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री लाइज इन इट्स पीपल एक कंट्री की स्ट्रेंथ उसके लोगों में बसती है द ग्रेट पेट्रिय ऑफ साउथ अफ्रीका व मंडेलास इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम तो यहाँ पे जो ग्रेट पेट्रिय साउथ अफ्रीका ये वही लोग थे जिन्होंने मंडेला को इस फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया था दॉ फॉर एन आइडिया वेन टू प्रिजेंट वु लिमिट बट डिड नॉट गिव इन उन्होंने एक आइडिया एक फ्रीडम के लिए वो लोग हर लिमिट क्रॉस किया उन्होंने प्रिजन में गए बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग्स जो थी उन सबको बेयर किया लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया सच ग्रेट मैन अचीव्ड फ्रीडम विच कैन नॉट बी अचीव बाय पर्जेसिंग द प्योरेस्ट ऑफ डायमंड्स इन्होंने उस फ्रीडम को अचीव किया जिसमें अगर आपके पास बहुत सारे डायमंड्स हैं तो भी अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है दीज मैन आर मोर प्रेशियस दैन डायमंड इसीलिए ये लोग जो है वो डायमंड से ज्यादा प्रेशियस हैं वट वॉज यूनिक इन द इनोगेशन सेरेमनी इस इनोग्रेशन सेरेमनी में अलग क्या था व्हाट वॉज यूनिक आंसर इज द इनेशन सेरेमनी टू प्लेस इन द एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्लेटोरिया ये तो हमने याद कर लिया है ऑलरेडी सिटी का नाम क्या है प्रिटोरिया बिल्डिंग का नाम क्या है यूनियन बिल्डिंग किससे बनी थी सैंडस्टोन से क्या था ये इट वॉज एन एम्फी थिएटर सो फॉर दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी सो सालों तक जो है ये प्लेस जो था ये वाइट सुप्रीमेसी के अंदर आता था नाउ इट वॉज द ओथ टेकिंग सेरेमनी डे फॉर साउथ अफ्रीक फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इट वॉज रियली अ यूनिक अकेशन सालों तक जो चीज व्हाइट सुप्रीमेसी के अंदर आती थी वहीं पे आज एक पहला ब्लैक प्रेसिडेंट जो था अपनी शपथ ग्रहण समारोह में आया हुआ था नेक्स्ट व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर उन्होंने किस चीज़ को कहा था नेल्सन मंडेला रिफर्स टू द अपाथीड पॉलिसी ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एज एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर ये जो अपाथीड पॉलिसी थी जिसके अगेंस्ट वो लोग लड़ाई कर रहे थे उसी को उन्होंने कहा था ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर है वाइट पीपल स्नैश्ड फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू हुम द कंट्री बिलोंग्ड सो वाइट पीपल साउथ अफ्रीकन जो वहाँ के एक्चुअल जो नेटिव हैं उन्होंने उससे उनसे उन्हीं की फ्रीडम को छीन लिया

If they had सम फ्रीडम इट वॉज curtailed. अगर उनकी थोड़ी भी उन्हें फ्रीडम मिलती थी तो उसको भी curtail, मतलब काट दिया जाता था खत्म कर दिया जाता था द ब्लैक पीपल लिव द लाइफ ऑफ अ स्लेव उन्होंने वाकई में एक स्लेव की लाइफ जी है एंड दैट इज वॉट वॉज द ह्यूमन डिजास्टर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला नाउ डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन the एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड Mandela लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था So, यहाँ पे बोला है आप फ्रीडम की वैल्यू बताओ कि अगर आपके अंदर आपके पास फ्रीडम है तो किस तरीके से आप जो हो अपनी पूरी सिविलाइजेशन को ह्यूमैनिटी को ग्रो कर सकते हो उसके बिना आप कैसे हो जाओगे सो एवरीबडी वेदर ह्यूमन और अदर क्रिएटर्स वॉन्ट्स टू लिव वॉन्ट टू लिव फ्री एज फ्रीडम इज़ नेचुरल टू ऑल लिविंग बींग्स हर कोई चाहे ह्यूम्स हो या कोई एनिमल हो वो सब फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ़ फ्रीडम इज़ बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बींगू हैज़ नॉट टेस्टेड इट टिल ही गेट्स इट और असली फ्रीडम की वैल्यू उसी इंसान को पता होती है जिसको अभी तक वो फ्रीडम मिली नहीं है अ पर्सन हु इज चेंड विद द लिमिट्स एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फ्रीली वैल्यूज़ फ्रीडम मोर देन एनी वन एल्स एक इंसान जो बंधा हुआ है जो चेंड है और जिसको अपनी ही ड्यूटीज फ्रीली करने के लिए कोई मतलब वो कोई अलाउ नहीं करता वही इंसान जानता है फ्रीडम की एक्चुअल वैल्यू फॉर इंस्टेंस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज़ नोन बेटर टू मंडेला हू रिमेन बिहाइंड द बाज मोस्ट ऑफ इज लाइफ और

सिमिलरली लाइफ बिकम्स अल इफ़ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम इसी तरह से हमारी ज़िंदगी जो एकदम हेल बन जाती है अगर हमसे हमारी फ्रीडम छीन ली जाती है देर इज़ नो ग्रोथ ऑफ़ सिविलाइजेशन एज इट ग्रोज ओनली वेन वन हैज़ फ्रीडम सिविलाइजेशन आपकी ग्रो ही नहीं हो सकती ह्यूमैनिटी ग्रो ही नहीं हो सकती क्योंकि ये सब ग्रो तब होगा जब हमारे पास खुद को ग्रो करने के लिए फ्रीडम होगा ली ह्यूमैनिज्मीडम इसी तरीके से ह्यूमेनिज्म भी जो है वो फ्रीडम के एटमोसफेर में ही ग्रो हो सकता है What does Mandela mean to say that the oppressor and the oppressed are एंड ऑपरेसर आई of their humanity? ये मैं आपको बता चुकी हूँ Mandela कहता है कि मंडेला ने कहा था कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ट दोनों जो है उनसे उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली होती है क्यों क्योंकि दोनों ही नफरत का शिकार होते हैं राइट एवरी वन इज ऑबलाइज टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज वेदर पर्सनल और सोशल बट विदाउट फ्रीडम अ मैन कैन नॉट डू सो हर आदमी को अपनी सोशल पर्सनल ऑब्लीगेशन जो होते हैं उसके जो कर्तव्य है वो उसको पालन करना पड़ता है लेकिन फ्रीडम के बिना वो एक कर नहीं सकता द पर्सन हु स्नेचेज दिस फ्रीडम फ्रीडम really an छीन लेता है वो जो है नफरत का बंधी है और जो ये फ्रीडम जिसके से छीन रही है वो, there is no confidence in that person, तो वो भी जो है वो ऑपरेस्ड हो रहा है उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी नहीं है दोनों के ही अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है अब ये हम लास्ट एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड है एक्सट्रैक्ट बेस है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे ट्विन ऑब्लिगेशन की बात करी हुई है आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो तो वापस पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या करोगे सीधा क्वेश्चन पे जाओगे वट आर द दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ सो यहाँ पे क्या होता है उसकी फैमिली और उसकी कंट्री राइट सो यहाँ पे ये वाला बी आंसर नहीं है वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर द कलर्ड मैन टू डिस्चार्ज इज ऑप्लिकेशन्स इन साउथ अफ्रीका क्यों इम्पोर्ट मतलब डिफ़िकल्ट था उसका रीज़न ये था क्योंकि अगर वो उसने अपनी कोई भी चीज़ करने की कोशिश की तो उसको पनिश किया जाएगा उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट इज वट मीन बाई द फ्रेज ऑफ माई बर्थ एक आदमी का मतलब क्या है जो जो कि उसके ही जैसा है एक पुअर और हम्बल फैमिली से बिलोंग करता है का क्या हो जाएगा? पनिशमेंट ओके सो नेक्स्ट वी आर डन सो आई वी क्लियर विद राइट अभी जो है हम ये जो पूरा चैप्टर कर चुके हैं नेल्सन मंडेला a long वॉक टू फ्रीडम इट was a lengthy chapter चैप्टर सो इट us अस time बट आई होप that यू हैव अंडरस्टूड इट वेल चैप्टर की डिटेल्ड अगर आपको समरी और या एक्सप्लेनेशन जानना है तो, तो आपके पास है यहाँ पे हमने रॉकेट रिविजन किया था आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल ये जो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ इनको रिवाइज किए बिना मत जाना एग्जाम देने ठीक है अच्छे से रिवाइज कर लेना लोड मतलब पेपर बहुत अच्छा जाएगा तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो बहुत अच्छे से फोकस करो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मिलते हैं बहुत जल्दी विथ द पोम्स ऑफ दिस चैप्टर्स बाई